godfather of Pangra music in the West. Jad eh lafz istemal hunde ne Channi Singh layi, the founder, singer, producer and director of UK-based Pangra music group Aalap, inna da kam saamne aake apne aap, inna lafzaan de paar nu sambhal lenda hai. Malerkotla, Punjab ch palle bade Channi, UK pahunche 1975 vich, te 2 saalan de vich, inna ne shabad kirtan de naal shuruaat kar, Aalap nu khada kita, te duniya de tamam konya ch vase Punjabiyan nu milya, ek nave kisam da Pangra music, jide vich thirak, ते सुरीले पंदा दिलकश मिजान भी सी। इसे तालमेल ने देश विदेश फिल्मा ते लखां दिला नू तड़काया। Channi Singh नाल एक खास मुलाकात बिटवीन अस। ओ चुन्नी उड़ी उड़ जाए हो, चुन्नी उड़ी उड़ जाए, गुत खुल खुल जाए, मुंह बद बद निकल जाए, कुड़ी नू रब की हो गया, कुड़ी नू यार की हो गया, कुड़ी नू रब की हो गया, कुड़ी नू यारों की हो गया। Beautiful, this was delightful. Welcome to the show, Channi ji. Thank you very much. ये तो बहुत familiar song है. I mean, I've heard this the Hindi version of the song in Dil. Yeah, Hindi version. Actually, this was my song. अच्छा. मेरा song सिगा चुन्नी उड़ जाए. जी. And that was copied into that film, Mr. Amir Khan's film, अच्छा, Dil. After talking to you, they took a proper. No, unfortunately no. Not. And the producers and directors were my very close friends. For a friendship, which you know, even the credit was not given to me. Achha. That the other song went like this. Oh, mujhe neend na aaye ho, mujhe neend na aaye, mujhe chain na aaye, koi jaye zara dhoond ke laaye, na jaane kahan dil kho gaya. कुड़ी नू रब्बा की हो गया। एक गाना नहीं बल्कि कई मोर देन हाफ ए डजन ऑफ माय सॉन्ग्स हैव बीन कॉपीड इनटू फिल्म्स। अच्छा, कैन यू रिमेम्बर? उस तो बाद एक फिल्म सी हत्या, गोविंदा जी जी जी, और एक गाना सी का मैं हूँ प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए, रब से भी सुंदर मेरा यार चाहिए, जी, जी। मेरा गाना सी ऐसी प्यार दे पुजारी सन प्यार चाहिए, मतलब लिरिक्स भी लिरिक्स भी सेम यस या उन्होंने बस ट्रांसलेट कर लिया ना। अच्छा, this has happened with you many times. और कितनी मूवीज़ हैं? या एक फिल्म सी पिछे जी आई अपनी बॉबी देओल वाली आशिक, वो तो इस गाना सी, ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे जानिया, मैं तेरी हो गई, इश्क विच खो गई, मेरा गाना सी, वे बन जा रहा, वे कर्मा वालिया नरम कलाई वे तेरे हथ आई वे बन जारिया। वो भी सेम एक कोई तुम सी, फिर एक पीछे जो फिल्म आई सी मेरे का तेरे लिए जी, मैं मेरी पहली फिल्म सी एक्चुअली मेन यलगार जी फिरोज खान साहब दी प्रॉपर जिहड़ी जिहदे गाने बहुत ही मकबूल हुए सी, दैट मेड ए हिस्ट्री। इट वाज अ म्यूजिकल हिट। ओदा गाना सी एक हो जाता है कैसे प्यार, ब्यूटीफुल सॉन्ग है ना, ओदे जिहड़ा अंतरा हो जाता है कैसे प्यार दा, ओ हुबू वाज कॉपीड इन वेक ऑफ राइज तेरे लिए फिल्म। अच्छा, या पिक्ड अप फ्रॉम देयर अगेन विदाउट आस्किंग यू? विदाउट आस्किंग, लाइक दिस इज द डाउनसाइड ऑफ बीइंग अ वेरी अवे फ्रॉम योर ओन कंट्री, है ना? हां, असी फिर रौला ते पाई दा बहुत, you know, and like you know we are sitting on a TV channel. Mm-hmm. So mera matlab is dasan da hi hai ke people should know ji. So but was the fayda ehi hoya ke then I started that Yalgar film. Khan sahab nu pata si sari cheezan da. Khan sahab was like my own brother. Acha, te phir us to baad unna ne mainu Jaan Sheen bhi I did Farzeen Khan sahab di, Ajay Devgan sahab di film ki thi Shaktiman अजय देवगन कृष्णपुर, उस तो बाद फिर देन आई डिड बूटा सिंह शाह जी की एक फिल्म, इट वाज टॉपलेस, इट वाज काइंड ऑफ आर्ट मूवी, देन वी डिड एन इंग्लिश मूवी इन लंदन ब्रिटिश बेस्ड ड्रीम गर्ल, एंड देन ए डिस्टेंट मिराज एन इंग्लिश मूवी, उसके विच मेरी डॉटर मोना सिंह ने भी गाया, फिर उस तो बाद मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी विच इज कंप्लीटेड ऑलरेडी, से हिंदी मूवी मिस्टर अनुपम खेर and in cameo role Amitabh Bachchan ji. The recently I have done my first Punjabi film called Nabar. Mr. Rajiv Sharma aur ithe Chandigarh de ne. Acha, tusi jadon har baar
इंडिया चक्कर लगता है और खासकर पंजाब आंदे हो तुसी तुसी की ऑब्जर्व कर रहे हो पंजाबी म्यूजिक बारे एंड चेंजेस की वजह देखने को मिल रही है तुहानू? आई थिंक पंजाब दा म्यूजिक इज टोटली चेंज्ड. अच्छा, जेड़ा अज तो कुछ साल पहला हुंदा सी, मीनिंग 10-15 साल पहला हुंदा सी, बीट प्रधान म्यूजिक हो गया सारा. एंड द अदर थिंग इज दैट यू नो विच आई पर्सनली डोंट लाइक यू नो शराब ते काफी होए या मतलब के हथियारां ते या मीनिंग साड़ी जड़ी कौम हैगी है ये कली शराब ते नहीं हैगी. आई लाइक दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स जिहड़े के फैमिली मतलब के इन्हां दी वैल्यूज हैगी हैं, इन्हां लिरिकल वैल्यूज हैगी हैं. सो ऑन द अदर हैंड द म्यूजिक इज टोटली चेंज. व्हाई आई से दैट, अजकल कई मैं ऑब्जर्व किया कि ढोलकी तबला तरह ही नहीं हैगी, यू नो एक इस ड्रम बेस प्रधान संगीत हो गया है. ये चेंजेस मैंने लगी हैं इतने जी, कई अच्छी अच्छी चीजें भी हैगी. मैं आई वाज गोइंग टू आस्क दैट ओनली कि ब्रिटेन विच इस टाइम जो पंजाबीज हैं, इवन नॉन पंजाबीज जो मतलब उतर रह रहे हैं, हु आर सेंसिटिव टू इंडियन म्यूजिक, अजकल की सबसे ज्यादा सुनिया जा रहा है, एंड कैन यू नेम सम पॉपुलर सिंगर्स जो इस टाइम होंगे? उथे मैं तो अपने कह सकता इस वाले. हाँ बिल्कुल, तुसी ता ऑफ कोर्स यू. हाँ नहीं, उथे मतलब के अच्छे-अच्छे पंजाबी सिंगर्स हैगे, अच्छे बैंड्स हैगे, क्योंकि इथे मैंने ये लगता है कि डीजे बेस्ड म्यूजिक भी हैगा काफी. मैंने सीनियर सिंगर का नाम पूछ लो तो आई विल डेफिनेटली, व्हाट योर फेवरेट सीनियर सिंगर? वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स गुरदास जी होए, हंसराज हंस होए, ते वो बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैगे. यूके विच इस टाइम पंजाबी जरा ट्रेडिशनल म्यूजिक सुनिया जा रहा है? उत्थे दो तीन किस्म का है, मतलब मेनली तो भंगड़ा म्यूजिक इज 100% यू नो, भंगड़े तो बगैर कुछ भी नहीं है उत्थे. तो बाकी जी सेंसिटिव सेंटीमेंटल पीपल है या वो सूफियाना म्यूजिक, जिदा मेरी डॉटर भी है यू नो, ऑल्दो शी इज यंग मोना, यू नो शी लव्स सूफियाना काइंड ऑफ, शी हैज बीन सिंगिंग सूफियाना. यस यस, एंड ओनू वो पसंद है. मेनली उत्थे यही है कि बीट प्रधान है, तो दूसरा म्यूजिक उत्थे रैप kind of ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੋ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੈਪ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਇਫ ਯੂ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਹੈਵ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿੰਗਰਸ? ਯੈਸ ਯੈਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਨੋਨ ਦੇਅਰ. Yeah, but he's very popular over in this country. To see 1975 which Malerkotla to UK migrate ho gaye sike. What made you go to England first of all? That was due to personal reasons. My wife said na da naam tanno hai. Eh oh utthon de hi hai. Yeah, utthon de ne ho. Acha. Aam taur te dekha janda ki ji tusi England te jump ali ho, tusi pind de vich adjust hona, oh matlab ke gaawan majjan sade gharan ch hundiyan. Very different. सारा कुछ यू नो ही चूल्हे च फूका मारनी या एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनी गर्ल जिहड़ा पहली बारी पिंड चाहिए हुए. पर शी प्रूव्ड अस रोंग, उन्हें शी डिड एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब के सवेरे उठ के झाड़ू भी लाना, चूल्हे च फूका मारनी. आई टेल यू वन स्टोरी, मेरे भरा उन्होंने कोई देखना आए साढ़े घर, वह आए तो मेरी नानी जी ने पूछने लगे, कहते भी असं सुने के ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ. ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਜੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੋ. ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 77? ਯਾ. ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਲੋਸਟ ਇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ. ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਏ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮੀ ਦੇਅਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
they said yes 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 we want to listen halanki mainu koi janda nahi si tusi nale sikhya vi nahi si koi no main thoda ji sikhya si acha I graduated from itho apne government college malerkotla to then I wanted to be a lecturer and but sometime whatever god does the music kithe sikhya kis moment music main jadon utthe apne dear college jalandhar honda si ga meaning mere interest si ge one was bhangra I was very good singer तो उधर नाल नाल आई वाज अ रेसलर एज वेल अच्छा या व्हिच इज सरप्राइजिंग या रेसलिंग एंड सिंगिंग या इंटर यूनिवर्सिटी यू नो सो ऑल कॉम्पिटिशंस वगैरह आई वाज रनर अप एंड चैंपियन एज वेल इन इंटर यूनिवर्सिटी फॉर फ्यू इयर्स जी बट देन उधर जाके सारा कुछ छूट गया एक्सेप्ट माय म्यूजिक या राइट अच्छा वो पार्टी दी गल कर रहे सी तुसी के हां पार्टी दे विच जदों मैं गाना शुरू कीता ते सारे ने कहा कि हां जी एक और ते मैं दो तीन गीत सुनाए ते जेड़ा उस वेले लड़का गा रहा सीगा ही केम टू मी एंड ही सेड कैन वी स्टार्ट समथिंग टुगेदर मीनिंग टुगेदर सो ही केम विद मी एंड जिहदे घर दे विच पार्टी सी ही वाज अ गिटारिस्ट टू सम अदर बैंड अच्छा ही जॉइंड विद मी ते मैं एक किसी होर बैंड दे कोल भी जांदा सी कि मैनु इस तरह सुन लैण कि यू नो कि आई वॉन्ट टू क्रिएट ए बैंड नाउ और रिहर्सल करदे सी ते मैं तीन महीने उन्होंने को जाना रहा नोबडी लिसन टू मी उन्होंने को जो तबला प्लेयर ही यूज टू सी मी एवरी टाइम दे हैड रिहर्सल ही हिमसेल्फ वाज फ्रस्ट्रेटेड विद दैट बैंड सो ही केम टू मी वन डे ही सेड यू नो आई विल प्ले तबला विद यू इफ यू हैव अदर म्यूजिशियंस सो वी बिकेम फोर एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू परफॉर्म इन गुरुद्वारा शबर्स विद मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यस गिटार विद गिटार एंड अकॉर्डियन Oh wow! And harmonium. Right. Before I forget, you know, we are just releasing Gurbani Shabd album. Sabhi Kat Ram Bole. Right. It's totally different than any other Gurbani Shabd album which prevails in the market. Saxophone used, guitar. You know, saxophone. Nobody has ever used saxophone in Gurbani Shabd. No, I don't think so. And the blend of the music you will listen. बहुत अच्छा. I'm sure it's very interesting. It's very interesting. अच्छा तुसी ये एक्सपेरिमेंट फिर गुरुद्वारा शुरू किता या तो उस तो बाद फिर असि देन वी वेंट टू गुरुद्वारा च लोग सुन के जे फिर दूसरे गुरुद्वारा दसन लगे तो देन पीपल स्टार्टेड इनवाइटिंग अस टू गुरुद्वारास एंड मंदिरस देन द पॉलिटेक्निक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज यू नो ऑल द स्टूडेंट फेडरेशंस दे स्टार्टेड कॉलिंग अस टू यूनिवर्सिटीज अच्छा नाउ वी आर 9-piece ऑर्केस्ट्रा गिटार बेस गिटार कीबोर्ड टू कीबोर्ड प्लेयर्स तबला टोलकी यू नो बिग टोल एंड वी हैव प्लेड इन दोज वेन्यूज जिथे के कदे भी किसी भी एशियन बैंड नो वाज नेवर अलाउड टू प्ले लाइक वेस्ट एंड इंग्लैंड दे विच वेस्ट एंड वी ब्रोक आइस देयर वी ब्रोक आइस ऑन बीबीसी वी बिकेम द फर्स्ट भंगड़ा बैंड टू बी इंटरव्यूड ऑन बीबीसी चैनल 4 We played in those venues where nobody has ever played. Wembley Arena, Wembley Conference Center, Madison Square Garden in America, you know, Royal Albert Hall. Royal Albert Hall. And recently in front of the British Prime Minister. Oh yes, yes. And khushi di gal si ki we became first Punjabi ever singers to be invited. And Mona then asked Mr. Prime Minister, he said, would you kindly sing along with us and he said no Mona said Mr. Prime Minister would you say hi and then he blushed he said hi you like an English person and then we started singing our song Makhana Achha. And then he joined he danced with us along with everybody else can you hum that song a little thoda ja मखणा नु हिक नाल लाके रखना दिल दी पटारी विच पाके रखना मखणा नु हिक नाल लाके रखना दिल दी पटारी विच पाके रखना मखणा आयो ए सोनिया आयो ए जानिया आयो ए मेरे हानिया आयो ए मखणा नु हिक नाल लाके रखना ओए दिल दी पटारी विच पाके रखना